जनमन में चलते चलते गुजरात चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर। जानिए आखिर चेतन पटेल को क्यों बताया जा रहा है गोल्डन उम्मीदवार। नवसारी के गोल्डन उम्मीदवार, अपने समर्थकों के साथ खड़े ये हैं चेतन पटेल, जिन्हें नवसारी का गोल्डन उम्मीदवार कहा जा रहा है। गोल्डन उम्मीदवार कहने के पीछे की वजह आप समझ ही चुके होंगे। चेतन पटेल का गला सोने की चेन से भरा पड़ा है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सही संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। गर्दन तो गर्दन, नेताजी की दसों उंगलियां सोने की अंगूठियों से भरी हुई हैं। नेताजी का दावा है उनके शरीर पर मौजूद सोने का कुल वजन 1.5 किलो है। आज के हिसाब से 1.5 किलो सोने की कीमत है करीब 42 लाख रुपए। नेताजी का दावा है कि पिछले 10 साल से उन्हें सोने का शौक है। तकरीबन 10 साल जैसे हो गए सोने का शौक। आपने उम्मीदवारी की है किसका कारण क्या? मेरे शौक के कारण, मेरे को पब्लिक की सेवा करनी और क्या करना है। नेताजी का दावा है कि जिस तरह से उन्होंने खुद को सोने से लाद रखा है, जीत गए तो जनता के लिए भी ऐसा काम करेंगे कि जनता भी माला माल हो जाए। मैं अगर जीत गया ना तो जैसे मैंने पहना ना वैसे पब्लिक पहनेगी, ऐसा करके कुछ न कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ। चेतन पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन सरकार से नाराज होकर वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। नवसारी से जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।